आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हेयरएक्स की सीसी क्रीम हम कैसे यूज़ करेंगे। मैंने ऑलरेडी अपने बाल देखोगे आप शैम्पू कर लिए हैं कंडीशनर करके। शैम्पू कंडीशनर करने के बाद वॉश करके मैं आ गई हूँ बाहर और मैंने टॉवल से थोड़ा थोड़ा ड्राई किया है, बट अभी भी मेरे हेयर काफ़ी वेट हैं। तो वेट हेयर में ही ये लगाना है। फोर पोर्शंस में मैं हेयर को डिवाइड कर रही हूँ। आपको भी अपना हेयर की जितनी आपकी हेयर की थिकनेस है उसके हिसाब से आपको डिफरेंट पोर्शंस में हेयर को डिवाइड करना है। तो ये फोर पोर्शंस हो गए मेरे हेयर के। अब मैं ये हेयर स्प्रे अपने हाथ में ले रही हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 स्प्रे आप लोगे फॉर वन पोर्शन। स्लाइटली रब किया मैंने हाथों में ताकि अच्छी तरह स्प्रेड हो जाए। और अब मैं ये इनको हेयर की लेंथ में, जैसे हम यूजुअली कंडीशनर लगाते हैं, ये ओनली डिफरेंस इज कंडीशनर लगा के हम उसको वॉश ऑफ कर देते हैं, लेकिन ये जो है वो आपने वॉश ऑफ नहीं करना, ठीक है। फिर मैंने दूसरे पोर्शन के लिए और हेयर लिया और क्रीम ली। इट्स नाइस, वेरी नाइस एंड वेरी थिक, और बड़ी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी निकलती है हर स्प्रे से। सो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि ऊपर से लेके नीचे तक, बिल्कुल जड़ में नहीं लगाना, लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक सारे बाल कवर होने चाहिए। इनफैक्ट आप देख सकते हो ऑलरेडी, क्योंकि मैंने अपने राइट साइड में क्रीम लगा ली है हेयर क्रीम, तो मेरे हेयर थोड़े से पहले से कम फ्रीजी दिख रहे हैं। अब फिर दूसरे साइड के हेयर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया और ये ले रही हूँ मैं क्रीम। थोड़ी सी, थोड़ा सा हाथ चिप चिप कर रहा है इसलिए स्प्रे करने में मुश्किल हो रही है। ऐसे और ऐसे, क्योंकि काफी थिक है ये क्रीम। और अब मैं इस तरह से अपने हेयर की लेंथ में इसको लगाया। काफी फ्रिजी और ड्राई है मेरे हेयर, विंटर्स में अक्सर सबके हो जाते हैं। और क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ उसकी वजह से मैं अपने हेयर को ज़्यादा केयर नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैंने ये ट्रीटमेंट अपने लिए, यहाँ पर मैं बाहर घूमने आई हूँ, आज मैंने शैम्पू किया है और शैम्पू करके कंडीशनिंग की है। और अब मैं ये हेयर ट्रीटमेंट सीसी क्रीम अपने बालों में लगा रही हूँ ताकि मेरे बाल नाइसली प्रोटेक्टेड रहे।